ये आदर्श रामलीला कमेटी ग्राम मैलगांव में जो रामलीला भी चल रही है वर्तमान में, उसके दशरथ के पार्ट का जो रूप सज्जा का कार्य यहाँ पे चल रहा है, देखिए आप किस तरीके से लवली जी हैं। ये हमारे दादाजी, आदरणीय दादाजी, बड़ा ही सुंदर ढंग से अपने सुंदर प्यार प्रेम से बच्चों का ऐसा मेकअप किया है कि उनकी सगरी चेंज कर दी है, जो जिस योग्य है वैसे मेकअप किया है। धन्यवाद लवली भाई जी। और मेकअप की तारीफ यहाँ पर अच्छी तरह से हो रही है। ये हमारी आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जो कि हमारे आदरणीय दादाजी, और कल ये बड़ी ताजु की बात है कि कल इस उम्र में भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, बन गए थे। पिचासी साल पार हो गए यार, देखो इनकी हिम्मत देखो। अभी तक डायरेक्टर ये जिन्होंने रावण का पार्ट भी खेला है, और 85 साल पूरे होने वाले इस दिसंबर 2 तारीख से इनको 86। कल सीता सैंबर में बहुत जलवा इन्होंने अपने एक्ट में दिखाया था। 85 साल आदमी को देखो, अभी पूरे स्वास्थ्य विभाग में एक मिनट स्वस्थ हैं, बिल्कुल शरीर से और उसका पूरा प्यार से रहते हैं, और कोई अवगुण नहीं इनके अंदर। ये हमारा रामला मंचन का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में हमारा ये मेकअप रूम बना हुआ है, जिसमें हमारे सीता के पात्र जो हैं ये बैठे हुए हैं, सुमित जी, और ये केकई के पात्र ऊपर, ये दशरथ के पात्र हैं जिनका मेकअप चल रहा है, और ये हमारे हैं रामला के अध्यक्ष जो कि काफ़ी उम्र दराज हैं, लेकिन अभी उनका जुनून जो है, जलवा बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर कार्य जो अभी कर रहे हैं रामला कमेटी ग्राम मैलगांव के लिए। ये लक्ष्मण के पार्ट तो आगे की रामलीला हम आपको लाइव दिखाएंगे। राजा दशरथ के पात्र का यहाँ पर बहुत ही सुंदर मेकअप हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे वैसे हनुमान के पात्र हैं, लेकिन अभी इनका सीन नहीं आया, इसलिए पहले कुछ और पात्रों का रोल अदा कर रहे हैं। मंत्री का रोल अदा कर रहे हैं, दशरथ के मंत्री बने हुए हैं। मैं भी नहीं चलाया। और जैसे ही रामलीला का प्रथम सीन प्रारंभ होता है, उसके बाद हम आप सभी को लाइव दिखाएंगे। मंत्री का सीन यहाँ पर चालू होने वाला है, इसलिए मंत्री का पहले हम मेकअप करना चाहते हैं। मेकअप मैंने दिनेश चंद्र कोहली जी, जो कि रामलीला कमेटी संगला कोटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये हमारी वंदना जो शुरू में हमारी आरती होती है, हमारी रामलीला कमेटी, आदर्श रामलीला कमेटी मैलगांव, उसकी जो आज ओपनिंग होगी, जो प्रार्थना होगी, जो वंदना होगी, उसमें ये लड़कियां भागीदारी करेंगी। चलो मिलते हैं आपको पहले पार्ट में रामलीला की ओपनिंग से। आज तीसरा दिन रामलीला का।